है। अब मैं आपको नियम सात, नियम देखिए, नियम सेवन देखिए, नियम सेवन क्या है, आवेदन आवेदन आबलिक अभ्यावेदन अभ्यावेदन देखिए, आवेदन आबलिक अभ्यावेदन ये जो है क्या है, हिंदी देखिए, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है, दोनों में किया जा सकता है, दोनों में किया जा सकता है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। देखिए नियम सात क्या बोलता है कि आवेदन या अभ्यावेदन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है, मतलब इसका मतलब हिंदी में भी किया जा सकता है और अंग्रेजी में भी किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है। मतलब दोनों में जरूरी नहीं है, हिंदी या इंग्लिश, बात समझिए, दोनों में भी किया जा सकता है, चाहिए कोई बात नहीं। अब जो है नियम आठ क्या है, देखिए नियम आठ यह है आपका, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी, देखिए टिप्पणी का लिखा जाना, टिप्पणी का लिखा जाना, देखिए केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी का लिखा जाना, तो देखिए एक्चुअल में टिप्पणी को हिंदी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी या इंग्लिश में लिखा जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे, लिखा जा सकता है, कोई पत्र, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई पत्र इंग्लिश में भेजना जरूरी है, मान लीजिए कोई पत्र इंग्लिश में भेजना जरूरी है तो उसे इंग्लिश में ही भेजा जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए कोई पत्र जो है इंग्लिश में भेजना बहुत जरूरी है तो उसे इंग्लिश में ही भेजा जाएगा, यह है आपका नियम एट। अब हम आपको देखिए नियम नाइन के बारे में स्टडी कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम नाइन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि यही एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। नियम नाइन देखिए, ये नियम नाइन क्या है, देखिए नियम नाइन जो है, इसके पहले वाले पार्ट में मैं बता चुका हूं, हिंदी में प्रवीणता ये है, देखिए हिंदी में प्रवीणता, देखिए हिंदी में प्रवीण कब कहा जाएगा इसके बारे में नियम नाइन में बताया गया है, हिंदी में प्रवीणता, तो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये, ध्यान रखिएगा, ये
मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए हिंदी में प्रवीणता क्या है, देखिए जिस व्यक्ति ने मैट्रिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा, देखिए उच्च माध्यमिक परीक्षा हिंदी विषय के साथ देखिए उत्तीर्ण किया हो। इसका मतलब समझिए कि जिस व्यक्ति ने मैट्रिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा जो है हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो, तो इसका मतलब यह मत समझिएगा कि ओनली हिंदी विषय, अरे भाई और सब्जेक्ट के साथ उसका एक सब्जेक्ट हिंदी रहा हो तो उसे क्या माना जाएगा, हिंदी में प्रवीणता या हिंदी में प्रवीण माना जाएगा, बात समझिए। इसके अलावा देखिए स्नातकोत्तर में हिंदी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो देखिए उनको भी क्या, देखिए हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, इसको जो है आप लोगों को जानना चाहिए। इसके अलावा देखिए या केंद्रीय सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम फर्स्ट प्रबोध, देखिए सेकंड क्या है प्रवीण और थर्ड क्या है प्राज्ञ। देखिए थर्ड प्राज्ञ मतलब तीनों की बात हो रही है भाई, केंद्रीय सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जो प्रोग्राम प्रबोध प्रवीण और प्राज्ञ, तीनों मान लीजिए ये तीनों जो है, तीनों परीक्षा जो है क्या किया हो, उत्तीर्ण किया हो, तीनों परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, ध्यान दीजिए तीनों परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। तो देखिए तो उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। बहुत ये ध्यान दीजिए, ये नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत इजी भी है, देख लीजिए इसमें तीन ऑप्शन है, एक तो भाई मैट्रिक या उच्च माध्यमिक परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण हो, या देखिए स्नातक या स्नातकोत्तर में जो है हिंदी विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, और या देखिए
केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे, देखिए मैं बार बार आपसे कहूंगा, केंद्रीय सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो प्रोग्राम है प्रबोध प्रवीण प्राग, ये तीनों जो है परीक्षा जो है उत्तीर्ण किया हो तो उसे क्या माना जाएगा, हिंदी में प्रवीण माना जाएगा, हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। इसके बाद नियम 10, नियम 10 जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम 10 देखिए, ये नियम 10 क्या है, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, कार्य साधक ज्ञान। देखिए इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान जो है नियम 10 में आपको इसका डिटेल जो है बताया जाएगा। तो देखिए नियम 10 क्या है, तो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। अब देखिए ये इसमें क्या होता है, नियम देखिए नियम नाइन में वर्णित के साथ साथ, देखिए यही है नियम नाइन। तो नियम नाइन में वर्णित के साथ साथ जिसे सरकार ने हिंदी के लिए नोटिफाइड कर दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपका नियम 10, क्या कि नियम 9 में जो क्राइटेरिया है उसके साथ साथ सरकार ने हिंदी के लिए जिसको मतलब नोटिफाइड कर दिया, तो देखिए वो कहलाएगा हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। देखिए नियम 11, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, नियम 11 ये क्या है, मैनुअल संहिता, मैनुअल संहिता कामा प्रक्रिया, देखिए प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य कामा लेखन सामग्री इत्यादि। देखिए इसमें नियम जो 11 है उसमें हम लोगों को क्या स्टडी करना है, मैनुअल संहिता प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री इत्यादि। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैनुअल और संहिता देखिए इसके बारे में आप जान लीजिए, इन दोनों के बारे में एक्चुअल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनुअल और संहिता जो है ये दोनों भाषाओं में, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी जो है
जारी किया जाएगा। अब हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए कि प्रक्रिया संबंधी, देखिए प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन, देखिए इसके बारे में जैसे आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे कोई रजिस्टर का कवर पेज, ये हिंदी, देखिए ध्यान दीजिए, हिंदी आब्लिक इंग्लिश, इसका मतलब ये मत समझिएगा या हिंदी या इंग्लिश, मतलब दोनों में होगा, क्या होगा, दोनों में होगा, हिंदी आब्लिक इंग्लिश मतलब दोनों में होगा। आप इसे एंड भी कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, दोनों में होगा। कवर पेज, भाई देखिए जो रजिस्टर का कवर पेज होता है उस पर आप जो भी नई कवर पेज पर लिखते हैं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो है एक और आइटम बचा, देखिए लेखन सामग्री, देखिए ये जो लेखन सामग्री में, अब इसमें भी एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, जैसे नेम प्लेट। अब देखिए ये नेम प्लेट के बारे में, ये भी जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। देखिए दोनों में होगा, किंतु देखिए एक बात बता दें, जब तक मैं आपको एक बात अंत में बता रहा हूं, जब तक कोई आइटम स्पेसिफाइड न किया गया हो। देखिए अब आप समझ गए होंगे, भाई देखिए नेम प्लेट हमने आपको एग्जाम्पल दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बट सपोज करिए कि दोनों में होगा जब तक कि कोई आइटम स्पेसिफाइड न किया गया हो। मान लीजिए कोई आइटम स्पेसिफाइड कर दिया गया हो कि ये हिंदी ही में सिर्फ होगा, तो उसको सिर्फ हिंदी में जो है लेखन सामग्री में जो है मैंने एग्जाम्पल दिया। तो देखिए एक्चुअल में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये नियम 11 था, अब है नियम 12। हमको अब लोग देखिए हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, नियम 12। ये क्या है एक्चुअल में, अनुपालन का उत्तरदायित्व, अनुपालन का उत्तरदायित्व। देखिए इसका मतलब जो हमारा राजभाषा है इसके संबंध में बनाया गया कि भाई अनुपालन का उत्तरदायित्व किसको होगा, अनुपालन का उत्तरदायित्व। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर ऑफिसर
सुपीरियर ऑफिसर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए अनुपालन का दायित्व तो जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर ऑफिसर, देखिए जिस भी ऑफिस का जो सबसे सुपीरियर ऑफिसर होगा उसका दायित्व तो है अनुपालन कराने का, उसके अधीन जितने जो है ऑफिशियल्स हैं, जितने अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, उनसे जो है ये अनुपालन कराने का दायित्व तो इन्हीं को है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर ऑफिसर और सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देखिए ये जो है हमने जो एक्चुअल में हमको नियम 1 to 12 जानना था, मैंने बताया था राजभाषा नियम के अधीन 12 नियम हम लोगों को स्टडी करना है, वन बाई वन बहुत इंपॉर्टेंट नियम होता है, इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल आइडिया दे दिया। देखिए एक्चुअल में हमने राजभाषा नियम शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि राजभाषा नियम के अंतर्गत 12 नियम और उन 12 नियम को हमने 1 by 1 आपको जो है डिटेल स्टडी करा दिया। देखिए अब राजभाषा में कोई भी आइटम नहीं बचता, बस हम इसके बाद जो है आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट आइटम प्राइज, भाई देखिए केंद्र सरकार ने क्या प्राइज रखा है, तो प्राइज के बारे में कौन कौन से प्राइज होते हैं इसके बारे में, उनका जो है अमाउंट क्या है इसके बारे में फिर जो है अगले वीडियोज में हम आपको स्टडी कराएंगे। और मैंने आपसे एक बात और बोला है कि धारा 3-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा।